आज फ्राइडे है तो आज इफ्तार जो है वो मेरे अम्मी अबू के यहाँ होगा, लेकिन मेरे अम्मी अबू के यहाँ नहीं, आज मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है, क्योंकि जो मेरे बहनों ही हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है तो वो बेड पे हैं। तो जो मेरे अम्मी अबू, हम दोनों बहनों को एक इफ्तार कराते हैं बड़ी अच्छी सी, जो हम कल जिक्र भी कर रहे थे कि कबाब जी इस पर लास्ट ईयर मुफ्ता था तो वो उन्होंने ही करवाया था, तो अब तो उनकी वजह से कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो आज उन्हीं के घर पे उन्होंने अरेंज किया है जो कुछ भी है, तो वहीं जाते हैं, तो बस देखते हैं। चले चले फिर वहीं पे अब निकलते हैं। पहुंच तो हम गए टाइम पे, लेकिन रोजे का ऐसा असर है किसी को कि गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट में ही लगा दी और उसका बिल्कुल लास्ट ब्लॉक है मेरी बहन का, तो यार हद हो गई है। मुझे चला के ले भी आए, पहले मान नहीं रहे थे, और अब जब माना देखा तो कह रहे हैं हाँ यार ऐसा रोज़ा लग रहा है। आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हुई ना तो बस रोज़ा लगना शुरू। A few inches later. ये देखो ये वो क्या पोएम थी, दोस्त है अपने भाई फुलक्कड़। इतना रोजा लग गया यार। चलो हमें तो पार्किंग मिली, हमने कहा लगा दो यहाँ तो, बस कर दे, बस कर दे, पार्किंग मिले और लगा दो, बस कर दे। 20 minutes later. तो फिर ये सारी रेडीमेड अफ्तारी आ गई है यहाँ पे। ये क्या है, ये चिकन समोसे, चिकन समोसे, चिकन स्टिक, पैरी बाइट्स। अच्छा पैरी बाइट तो दिखी नहीं, ये नहीं भाई, और नहीं मुझे नहीं भाई, एंड पॉपसिकल, इसके ऊपर कुछ डाल लेते हैं। चलो निकालो, देखो बाद उसमें है वो है दूसरा वाला है। चलो ये आप सारी है Later that same evening. अफ्तारी के कुछ देर बाद अब खाने का सेशन स्टार्ट हो गया है। टिक्के, धागा कबाब, मलाई बूटी, कोल्ड ड्रिंक, चपाती। मैं यानी आधा खाना खा चुकी हूँ, फिर मुझे याद आया कि वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, और जो पराठे खाएंगे उनके लिए पराठे। हालतें बेइंतहा बुरी हो गई हैं इस वक्त। आज दरअसल ये हुआ, एक तो जुम्मा था तो जुम्मे का थोड़ा एहतमाम भी ज़्यादा होता है, फिर रमज़ान का जुम्मा, फिर एक हमारी बड़ी ही अच्छी फ्रेंड है उनकी मदर की डेथ हो गई, फिर वहाँ भी ज़ाहिर है शिरकत लाजमी थी, जाना था ऐसे मौक़ों पर, तो शायद बंदा खुशी का मौका एक आध दफ़ा मिस कर जाए, लेकिन ये वो वाले मौके हैं कि जिसमें हमारे लिहाज से लाजमी है जाना, लाजमी हमारे लिहाज से नहीं है, सही बात है, जाना चाहिए, ऐसे मौक़ों पर ज़रूर जाना चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आज मेरे अम्मी अबू ने इफ्तार रखा हुआ था, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो इतने दिनों से प्लान था तो वो भी बिल्कुल इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकता था। फिर दूसरा ये कि मेरे कॉलेज में पेपर्स चल रहे हैं, उसकी चेकिंग भी, इन्विजिलेशन भी, फिर वहाँ अफ्तारी, फिर तरावी, फिर खाने, और फिर अल्लाह अकबर, यानी आज सही के थक गए, सही के। तो बस अब घर पहुँचे हैं, फिर घर पहुंच के याद आया कि सुबह सहरी के लिए दूध ख़त्म हो चुका है, फिर वापस गए, फिर दूध वगैरह लेकर अब घर पहुंचे। अब जो गाड़ी चला रहा था उससे वापस 1 किलोमीटर जाना भी कितना खर्चा है ना, रास्ते में याद ही नहीं रहा। सुबह मैंने गाड़ी चलाई है कॉलेज जाते हुए, इंतकाल में जाने के लिए मैंने गाड़ी चलाई है, इंतकाल से वापसी के लिए मैंने गाड़ी चलाई है, हाँ अफ्तार से उन्होंने गाड़ी चलाई है, तो उसमें ये वाली बात है। जितनी गाड़ी उन्होंने बोली है ना, जितनी दफा गिनवाई है, और मेरी सिर्फ एक दफा गिनवाई है, वो उससे 10 दफा ज्यादा मैंने गाड़ी चलाई। जो भी है बात चलाने की हो रही है, ऐसा नहीं है कि आधा आधा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैंने चलाई है आज गाड़ी, कोई मुझे इल्जाम नहीं दे सकता, तो मैं बस मजे से बैठी रही हूँ। खैर बस ये है कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और सबको सबर दे, और बस अब हम भी थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर सुबह उठ के तो फिर वो ही सारा रूटीन है, स्टार्ट हो जाना है। आप